हेलो एवरीवन, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस वेट एंड वाइल्ड रोज़ इन द एयर पैलेट की। इसमें आपको टोटल 10 शेड मिल जाते हैं और एक ये प्लास्टिक की पैकेज में आता है। इसमें आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे कलर, जैसे कि कोरल, बेबी पिंक, डार्क पिंक और कॉपर कलर, शिमरी और एक हाइलाइटर भी है। इसमें आपको दो ट्रांजिशन शेड भी मिल जाते हैं, एक हाइलाइटर मिल जाता है और बाकी सारे न्यूट्रल कलर है जो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आप बिगनर हो तो आपको ज़रूर ये लेना चाहिए, क्योंकि एक बिगनर को जो चीज़ ज़रूर होती है ये उसी पैलेट में ये सब कुछ आ जाता है, एक ही पैलेट में। और अफोर्डेबल भी है, क्योंकि सिर्फ 499 का है, लेकिन आप सेल में लोगे तो उससे 300, जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट से सेल में लिया था तो मेरे को 249 में मिल गया था, मतलब 50% ऑफ में। और ये मैं आपको स्वेचेस दिखा रही हूँ, जो ऊपर के फर्स्ट टू और थर्ड शेड है हाइलाइटर को देख के, वो ज़्यादा मतलब पिगमेंटेड नहीं है, इसको बिल्डअप करना पड़ेगा। देन फोर्थ जो है बेबी पिंक कलर, वो थोड़ा सा अच्छा है। देन ये फिफ्थ शेड है, वो भी अच्छा है, पिगमेंटेड है। देन ये कोरल टाइप शेड है, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, पिगमेंटेड है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, क्योंकि इसमें एक दो कलर्स फॉल आउट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी ब्रांड का है, लेकिन इसमें पिगमेंटेशन भी अच्छा है, लेकिन इस प्राइस में थोड़ा सा मतलब आप समझ ही सकते हो एक दो शेड फॉल आउट होते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस रेंज और ब्रांड को देख के अगर लेना चाहते हो, अगर 500 के नीचे तक, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा। ये देख लीजिए सारे स्वेचेस, अगर आप बिगनर हो तो आप इसको ज़रूर ले सकते हो, और कहीं पे अगर सेल चल रही हो तो आपको अच्छा होगा, सेल में ले लो, एक बार ट्राई कर लो आपको कैसा लगता है। मैं इसका आपको बाद में रिव्यू भी अलग से दिखाऊंगी आई शेडो क्रिएट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।